हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन के डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो ये है हाइड्रोकार्बन का वीडियो नंबर 4। अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लो यार, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देखा है या फिर आप लोग कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में समझना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, तो यार देखो, कॉन्फर्मेशंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। वो बातें समझ में आ जाएंगी तो फिर जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड है, ये सारी चीज़ें जो नाम ऐसे हैं जिससे आप डरते हैं, आपका डरना बिल्कुल वही बंद हो जाएगा। तो इसलिए देखो, स्टार्ट करते हैं हम कॉन्फर्मेशन से। तो कहीं जैसे कि हम एक काम करते हैं, 2 कार्बन का एक कंपाउंड मान लेते हैं सबसे सिंपल। तो आपको पता है 2 कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड कौन सा है? इथेन। तो अगर उसको ही देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो क्या होगा, एक कार्बन रहेगा, एक और कार्बन रहेगा और बाकी 3 हाइड्रोजन इधर रहेंगे और 3 हाइड्रोजन इधर रहेंगे। दिस इज इथेन, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है हमारा 2 कार्बन कंपाउंड वाला। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, जो ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? देखो, कार्बन के सारे जब भी कभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं या फिर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उनमें रोटेशन पॉसिबल होता है। देखो, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से। मतलब क्या कर सकते हैं, एक को अगर आप पकड़ लो तो दूसरा वहां पर रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो सेम यही हो रहा है कि देखो यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है, यहाँ पर भी रोटेशन है। और इस रोटेशन की वजह से क्या होगा, ये जो इथेन है वो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स में आ जाएगा और यही डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशंस। तो अगर मुझे कॉन्फॉर्मेशंस या कॉन्फॉर्मर की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्पेशल अरेंजमेंट, थोड़ा गंदा हो रहा है यहाँ पे, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड सी बॉन्ड सी, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में। तो अब गाइस, आप ये चीज समझ सकते हो कि जैसे अब ये वाला जो मैंने ये जो एथीन मॉलिक्यूल बनाया है यहाँ पे, ये कैसा है यार, ये 2D में है, एक प्लेन ऑफ पेपर के पीछे है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको 3D में दिखाना चाहता हूँ। एक बार आपने 3D में इसको देख लिया तो चीज़ें एकदम तुरंत आसान हो जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ सहारा लेना पड़ेगा मल्टीपल पेन्स का, जो कि हैं अपने पास काफ़ी सारे हैं, 1, 2, 3, 4, एक और ले लेते हैं 5। देखो गाइस, अब हम एक समझते हैं कि जैसे कि पहला कार्बन, जैसे जो अपना CH3 है उसमें 2 कार्बन है, हम पहले कार्बन को पकड़ के चलते हैं। पहले कार्बन पर क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मैं अगर आपको उन 3 हाइड्रोजन को दिखाऊँ तो मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ। देखो ज़रा मेरा हाथ, देखो ये जो ये है फिस्ट है मेरी, वो है एक कार्बन, ठीक है, पहला कार्बन है। इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, देखो एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, एक ये है। अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं पूछूँ कि इनके बीच में 2 हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितने का होगा, तो आप मुझे बोलोगे 120 का, 120 इधर, 120 इधर, 120 इधर, मतलब 360 पूरा हो गया। तो ये तो पहला कार्बन है। अब इसी कार्बन से क्या है, एक दूसरा कार्बन भी जुड़ा हुआ है जिसमें भी क्या CH3 है, उसको भी देखो बना लेते हैं। ओके, तो देखो ये पहला कार्बन था CH3 के साथ, अब ये दूसरा कार्बन है। अब देखो ये क्या है, यहां पे जो ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक लाइन में है। तो जब भी ये सारे के सारे बॉन्ड्स एक लाइन में होते हैं तो उस कंफिगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। और यही अगर मैंने क्या किया, क्योंकि रोटेशन है, मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ये देखो अब क्या हो गया, ये बॉन्ड्स जो है या फिर जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से दूर हो गए और इस कन्फ्यूगेशन को मैं बोलूँगा स्टैगर्ड। तो हमें क्या पता चल गया, इक्लिप्स्ड, हमें पता चल गया स्टैगर्ड। अब अगर आप फिर से वही कॉन्फर्मेशन की डेफिनेशन पर जाओगे तो वो क्या है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स। तो इसका मतलब ये भी एक स्पेशल अरेंजमेंट है, ये भी स्पेशल अरेंजमेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो अगर मैं ऐसे करता चला जाऊँगा तो कोई अगर आपसे पूछे कि एथीन के कितने कॉन्फॉर्मर्स हैं तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, ठीक है, समझ गए कैसे, इनफाइनाइट। क्यों, ये भी कॉन्फॉर्मर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ऐसे इनफाइनाइट हम बना सकते हैं। तो कॉन्फॉर्मर कितने हुए, इनफाइनाइट। बट अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स की बात करें तो हमारे पास 3 होते हैं। पहला जिसमें बॉन्ड सब एक दूसरे के पास होते हैं
उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं, जिसमें सबसे दूर होते हैं, मतलब अब जैसे ही अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड पास में आ जाएंगे, तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड, और बीच की कोई भी कन्फिग्रेशन होगी तो उसको बोलेंगे स्क्यू, इक्लिप्स स्टैगर्ड एंड स्क्यू, इतना सिंपल सा है। और जो इनके बीच का एंगल है इसको ही डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं, जैसे अभी एंगल कितना, देखो ये और ये बॉन्ड के बीच में एंगल कितना था, 120 था, तो अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो आप ये वाला, ठीक है, ये और इसके बीच में एंगल हो जाएगा 60, तो ये कहलाता है डाईहाइड्रल एंगल। तो डाईहाइड्रल एंगल्स के आप उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि इक्लिप्स है स्टैगर्ड है, इक्लिप्स के केस में क्या होगा, डाईहाइड्रल एंगल जीरो होगा, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत इजीली बात समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार इसको बताते कैसे कैसे हैं। तो कॉन्फॉर्मेशन की देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू वन अनदर बाय रोटेशन अबाउट सी बॉन्ड सी। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें यार, दिखाएं कैसे, तो इसके दो तरीके होते हैं दिखाने के लिए, एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स और न्यूमैन, हम दोनों को समझेंगे और दोनों बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। उससे पहले फिर से हम चलो अभी सॉहर्स से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं देखो सॉहर्स से, सॉहर्स। अब ये सॉहर्स क्या है यार, देखो आपने वो देखा होगा कभी कारपेंटर की दुकान पे गए होगा तो देखा होगा कि जो वुड को वो कारपेंटर एकदम स्मूथ करने के लिए कुछ तो ऐसे चलाता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंदा, पता नहीं बाकी अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, तो वही हो, तो जब भी कभी वो लकड़ी को स्मूथ करने के लिए क्या करता है, एक टेबल पे, एक वुडन टेबल पे रख के वो करता है, तो जिस वुडन टेबल पे रख के लकड़ी को स्मूथ किया जाता है उसको ही सॉहर्स बोलते हैं। अब ये सॉहर्स क्यों है देखो वो भी आएगा। अब जैसे हम बात कर रहे थे CH3 बॉन्ड CH3 की, इथेन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो सॉहर्स में क्या होता है कि आप जो कार्बन बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन का बीच में बॉन्ड है उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, एक बड़ी सी लाइन, तो मैंने एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद में रह गए हाइड्रोजन, तो उनको आप ऐसे दिखा दोगे, जैसे कि देखो ये मैंने पहला दिखा दिया, ये बहुत ही गंदा बन रहा है, मैं फिर से बना रहा हूँ उसको, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में तीन हाइड्रोजन में जो दिखाने हैं, तो देखो पहला हाइड्रोजन मैंने ये दिखा दिया, दूसरा हाइड्रोजन ये, और तीसरा ये, अब यहां पे क्या होगा, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, इनमें देखोगे आप बिल्कुल एक ही लाइन में है ये, मतलब जो डाईहाइड्रल एंगल है वो कैसा है, जीरो है। अगर हम बाकी हाइड्रोजन को देखेंगे तो वो भी क्या, सब एक दूसरे की लाइन में है, तो ये कौन सी कन्फिग्रेशन हो गई हमारी, ये हो गई इक्लिप्स्ड, कौन सी कन्फिग्रेशन हो गई, ये हो गई इक्लिप्स्ड। अगर अब हमें स्टैगर्ड दिखाना है तो फिर से हम वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर से ये तीन हाइड्रोजन दिखा देंगे जैसे हमने पहले दिखाए थे, ठीक है। और यहां पर अब क्या होगा, अब यहां पर ये अलग आ जाएगा इसका, तो ये ऐसे, ये ऐसे आ गया। तो यहां पे अब आप देखोगे जो हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे से अब दूर जा चुके हैं, और ये कन्फिग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड, क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। तो समझ गए इक्लिप्स और स्टैगर्ड। अब तो जब भी कभी सॉहर्स प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो जो नीचे वाला ये रहेगा, जो नीचे वाला कार्बन होगा वो पहला कार्बन होगा, ऊपर वाला दूसरा होगा, समझ गए। तो ऐसे यहां पे ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड यहां पे आपने इजीली समझ लिया, तो उतना कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। तो गाइस अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा हमारा कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बहुत सिंपल सा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखो ये कितना सिंपल है यार, ये यहाँ पे क्या होता है कि अगेन दो कार्बन है तो अलग अलग रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने लाइन खींच दी थी कार्बन कार्बन के बीच में, और नीचे वाले कार्बन को पहला बोलता था और ऊपर वाले को दूसरा बोलता था। यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले कार्बन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये पहला कार्बन है एक डॉट, और इसके अराउंड कितने, तीन हाइड्रोजन है, एक दो तीन, ये हो गया। और जो पीछे का कार्बन होता है उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ऐसे, ये क्या सर्कल, ये है पीछे का कार्बन, ठीक है, और इसमें भी फिर से वही तीन बॉन्ड, एक दो तीन। तो अगर मैं इसके पहले वाले को दूसरे के ऊपर रख दूं तो बन गया मेरा क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है इसके अराउंड एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, और अगर और पीछे के बॉन्ड ऐसे दिखा दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना इक्लिप्स्ड,
क्यों, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और उसका हाइड्रोजन, ये दोनों सेम एंगल पे, अगर बिल्कुल मैं पीछे दिखा दूंगा तो दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखाया, बट इनके बीच का डायहेड्रल एंगल जीरो है। ओके, सिमिलरली तो ये इक्लिप्स हो गया, और अगर हमें स्टैगर्ड दिखाना है तो हम फिर से इस वाले के साथ ले लेते हैं, तो एक ये तीर क्यों बन गया भाई, एक ये बॉन्ड, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा बन गया, इसको छोटा बना देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका स्टैगर्ड। ठीक, तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड आप बहुत आसानी से समझ गए। अब हम एक काम करते हैं, अब हम बस एक लास्ट चीज डिस्कस करेंगे, फिर और कुछ नहीं करेंगे। न्यूमैन और सॉ हॉर्स को आपको फिशर प्रोजेक्शन में बनाने को आए, तो आप कैसे कर सकते हो, तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर कभी भी वो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन को आप नहीं दिखा पाओगे किसमें, फिशर की फॉर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैगर्ड को पहले इक्लिप्स बनाना पड़ेगा। तो हम ये वाले स्टैगर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं काम करता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो डी ई एफ है ये पहला कार्बन है, ठीक है, और ए बी सी पे जो ग्रुप्स हैं वो दूसरे कार्बन पे हैं। तो अब इसी को मुझे क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। तो फिशर प्रोजेक्शन को आपको ध्यान रखना कि फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैगर्ड को पहले इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टैगर्ड को इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अभी कर लेते हैं, तो आगे का कार्बन है उसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, जो आगे का कार्बन है लेट्स से उसको एज इट इज ही रहने दिया, डी ई एफ, और जो पीछे का कार्बन है इसको हमने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको भी पता है कि यहाँ पे एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, तो हम एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री इसको रोटेट कर दे, तो क्या होगा कि एफ के पास में क्या आ जाएगा, अब ए आ जाएगा, ठीक है, सी किसके पास चला जाएगा, ई के पास चला जाएगा, और बी किसके पास चला जाएगा, डी के पास चला जाएगा। तो अभी किस में आ गया, वेट अ मिनट, दिस विल बी बी, हाँ, तो अभी आ गया इक्लिप्स में। आप देखो फिशर प्रोजेक्शन बना देते हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन देखो आपको पता ही है कैसे होता है, कि एक लाइन होती है और ये प्लस प्लस के जैसे रहते हैं। तो अब जैसे कि ये हमारा ऊपर वाला जो डॉट है वो पहला कार्बन होगा, पहले कार्बन में देखो हम लोग क्या देख सकते हैं कि डी और एफ, देखो डी आपके राइट हैंड साइड में, तो मैंने डी यहां लिख दिया, एफ आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर लिख दिया। अब जो ई बचेगा वो भले ही आपको नीचे लग रहा हो लेकिन पहले कार्बन का ही है पार्ट, तो पहले कार्बन पे एक ही बॉन्ड बचता है, तो ई मैं यहां लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे दिखा देता ई एकदम ऊपर होता तो आपको सिंपल लगता, लेकिन वो एक ही बात है। अब दूसरा कार्बन आप देखो और ईजी हो जाएगा, अब दूसरे कार्बन पे कौन कौन से हमारे मॉलिक्यूल एटम्स लगे हुए हैं, ए बी और सी, तो ए अगेन हमारे कौन से है, लेफ्ट की साइड में या फिर जहाँ पे एफ था, तो ए हम यहाँ लगाएंगे, बी किधर है, जहाँ पे डी था, तो बी यहाँ लगाएंगे। अब क्या बचा आपका, सी, सी आपको नीचे दिख रहा है और आप नीचे ही लगा दो। तो इस तरह से अगर सौ हॉर्स होगा तो सौ हॉर्स में भी आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को पहले इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर बनाएंगे, तो आप इस तरह से इक्लिप्स को स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब गाइज यहाँ पे देखो होता क्या है, अब बात आता है कि स्टेबल कौन सा है, यानी इक्लिप्स स्टेबल है, स्टैगर्ड स्टेबल है। तो देखो जो इक्लिप्स वाली कंडीशन है, जैसे ये वाला की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के बहुत पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्जन होगा। इसी रिपल्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन, क्या बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन आ गया। तो स्टेबल कौन सा होगा, स्टैगर्ड। देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, स्टेबल होगी स्टैगर्ड वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं होगा। अब स्ट्रेन को अगर हमें बहुत नॉर्मल शब्दों में समझना हो तो स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मतलब ये होता है जैसे आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों एक ही चैनल से पढ़ाई करते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, पता चला आपके दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए, तो आप क्या करोगे, थोड़ा दोस्त जब भी पास में होगा ना तो आपको अंदर से कुछ तो दर्द महसूस होगा, वही स्ट्रेन होता है। आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि अपने दोस्त से थोड़ी दूरी बना ली जाए ताकि वो स्ट्रेन वाला जो है ना जगह थोड़ी सी, जो आपका डाईहाइड्रल एंगल बढ़ जाए और आप क्या हो, थोड़ा रिलैक्स कन्फ्यूगरेशन में आ जाओ। तो स्ट्रेन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के पास कब है, वो है हमारे इक्लिप्स वाले फॉर्म में, तो इसलिए स्टेबल कौन सा हुआ, स्टैगर्ड, अनस्टेबल कौन सा हुआ, इक्लिप्स। इसीलिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो आपको पता है कि एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी इक्लिप्स की। तो हम यहाँ पर अगर ऐसे लिख लें, मोर एनर्जी कहाँ पे होगी, तो वो होगी इक्लिप्स में, ठीक है, समझ गए। और जो एनर्जी डिफरेंस होता है इक्लिप्स और स्टैगर्ड का, वो करीब कुछ तो होता है करीब 12.5 किलो जूल के आसपास,
इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच की एनर्जी का डिफरेंस। तो ये एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली इतना कम है कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इथेन मॉलिक्यूल को देखेंगे तो सारे के सारे वो हमें इक्लिप्स में मिलेंगे या सारे के सारे स्टैगर्ड में मिलेंगे, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इक्लिप्स और स्टैगर्ड को कन्वर्ट होने की एनर्जी बहुत कम है, 12.5 किलो जूल, और इसलिए दोनों फॉर्म में मिलते हैं। तो गाइस बस यार इतना ही सा बताना था आपको इसके बारे में, कन्फिग्रेशन के बारे में, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। न्यूमैन और सोहोस भी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए होंगे यार तो वीडियो को लाइक करना, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स का डिस्कशन, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा। तब तक यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।